रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर जिस तरीके से वोटिंग के लिए सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने कमर कस चुके हैं, ऐसे में हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की बीजेपी और कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं से। आइए देखिए उनकी बातचीत। एफडीआई के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू जी और राजीव शुक्ला जी, संसदीय राज्य मंत्री। वेंकैया जी, एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के पास बहुमत है, ये दावा है उनका, आप लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? क्यों, हम पहले से विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं सदन में बहस हो जाए, सब बिंदु देश के सामने आ जाए और बाद में निर्णय हो जाए। किसके पास बहुमत है नहीं है वो तो जब वोटिंग होगा तब मालूम होगा ना। वोटिंग से कोई घबराहट, राजीव जी? वोटिंग से कोई किसी किसी की घबराहट नहीं है। वेंकैया जी हमारे मित्र हैं, सम्मानित नेता हैं, पहले से विरोध नहीं कर रहे हैं। इस बयान पे हमें आपत्ति, क्योंकि इन्होंने ही 100% एफडीआई का रास्ता दिखाया था, ड्राफ्ट बनाया था इनके जीओएम ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, इनकी सरकार ने 100% एफडीआई की बात रिटेल में की थी, इसलिए पहले से इनका कोई नहीं। जब विपक्ष में आए तो इन्होंने तुरंत चोला बदल लिया और इस पे चालू हो गए कि अभी एफडीआई का विरोध करते हैं। आप लोगों ने शुरू की थी यारों का, कम्युनिस्टों को बरगला के अपने साथ। ये गलत है, हम एफडीआई के खिलाफ नहीं है, हम एफडीआई रिटेल में प्रवेश करने के रिटेल में 100% नहीं, नहीं, सुनिए ना, कल बना कल रिकॉर्ड, कल मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा सदन में, जब मौका मिले तो सदन में रिकॉर्ड दिखाऊंगा। उस समय जो विपक्ष का नेता थे श्री मनमोहन सिंह ने खुलकर इसको विरोध किया है, श्री प्रेमचंद दास मुंशी ने इसको एंटी नेशनल भी कहा है। ये सब कुछ होने के बाद इन्होंने लाया, 100% नहीं चाह रहे थे आप, 100% कर रहे थे झगड़ा, तो चाहते थे कोई प्रस्ताव कम करके करो, हमने कोई 51% या कुछ, आप 100% कर रहे थे इसका झगड़ा, आज एकदम उल्टा हो गया। हमने कोई प्रस्ताव किया नहीं, कोई जीओएम बिठाया नहीं। उस समय प्लानिंग कमीशन का सब कमेटी एनके सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने कहा एफडीआई इन रिटेल इज नॉट वॉन्टेड इन इंडिया। ये हमारा स्टैंड था उस समय भी, अभी यही स्टैंड है। हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर